मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में ही सरगना में ही प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रहा है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। अब किसी बेटी पारुल चौधरी को अपनी प्रैक्टिस के लिए दुनिया के अंदर नहीं बल्कि इसी लोकसभा सीट में उनको अपनी प्रैक्टिस करने का एक अवसर प्राप्त होगा, एक मंच प्राप्त होगा। और फिर मुजफ्फरनगर की बेटी भी अब जब किसी इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा में, किसी एशियाड में, किसी कॉमनवेल्थ गेम्स में, किसी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगी तो डायरेक्ट तस्तरी में परोस करके डिप्टी एसपी का पद उनके सामने होगा। दिया ना डिप्टी एसपी की सीधी नौकरी हमने दी ना। उस बेटी ने घोषणा कहां की थी? चीन में। उसे पूछा गया कि चीन का खिलाड़ी तो तुमसे आगे चल रहा था, तुम कैसे? उसने कहा जैसे वो आगे चल रही थी तो मैंने कहा डिप्टी एसपी का पद छूट जाएगा, तो मैंने उसके मारी अपनी पूरी ताकत और उसको पछाड़ करके भारत को गोल्ड मेडल जीता। अब होनहार खिलाड़ियों की जगह बनेगी मुजफ्फरनगर लोकसभा से, पहले से है लेकिन उसको और एक नया स्वरूप, नए कलेवर के साथ, पूरी भव्यता के साथ एक इंटरनेशनल खेल के हम यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहां बनाने जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा डेवलपमेंट के कितने कार्य हुए, और डेवलपमेंट तब सार्थक है जब सुरक्षा हो। सुरक्षा के मोर्चे पर कोई कोताही नहीं, कोई कोताही नहीं। बेटी और व्यापारी की, अन्नदाता किसान की सुरक्षा में जो सेन लगाएगा तो फिर वह भी देखना होगा कि उसको भी सोच 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर मैं लगाऊंगा तो फिर इसका परिणाम क्या होगा।